प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के खिलाफ एक बड़ी योजना तैयार कर ली है, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण कश्मीर में आतंकियों को जगह मिल गई है। उधर इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मिटाने का अभियान तेजी पकड़ रहा है। आज बडगाम में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। हालांकि बडगाम में मारे गए आतंकी न तो पाकिस्तानी रहे और न ही घुसपैठिए। तस्वीर नंबर 1, बडगाम के राजपुर गांव में खंडहर बन चुके इस घर में 3 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। तस्वीर नंबर 2, घर तबाह होने के बाद सड़क पर आया परिवार रो रहा है। इनके ही घर में आतंकी जबरन छिपे बैठे थे। तस्वीर नंबर 3, मारे गए एक आतंकी के जनाजे में दिखा पाकिस्तान की परस्ती का सबूत, पाकिस्तान के झंडे और भारत विरोधी नारे। अब सिलसिलेवार तरीके से तीनों तस्वीरों की पूरी कहानी देखिए। रोती हुई इस महिला का आतंक और आतंकियों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसका घर आतंकियों के छिपने का ठिकाना जरूर बन गया। आतंकी मारे गए और इस महिला का घर तबाह हो गया। पूरा परिवार अब सड़क पर है। इस महिला के खंडहर बन चुके इसी घर में छिपे थे हिजबुल के 3 खतरनाक आतंकवादी। 10 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ के बाद सुबह तीनों आतंकवादी ढेर कर दिए गए। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तलाश हो रही है। चेकिंग के दौरान ही कल शाम 7:30 बजे सुरक्षा बलों को बडगाम के राजपुर गांव में इस घर के भीतर 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। फौरन ही CRPF, सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम राजपुर गांव पहुंच गई। जैसे ही आतंकियों की घेराबंदी हुई तो घर में छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। रात भर दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। सुबह हुई तो तीनों आतंकी मारे जा चुके थे। पूरी रात ऑपरेशन चला तो इन द मॉर्निंग वी किल्ड 3 मिलिटेंट्स। उन तीनों की बॉडी रिकवर हो गई हैं और उनके पास से हमें वेपन रिकवर हुए हैं। एक SLR रिकवर हुई है, एक पिस्टल रिकवर हुई है। तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे। एक तो बडगाम का ही रहने वाला था। इनकी पहचान देखिए। जावेद शेख, हिजबुल मुजाहिदीन का डिस्ट्रिक्ट कमांडर, निवासी नारबल श्रीनगर। आकिब गुल, निवासी बडगाम। सज्जाद अहमद गिलकर, निवासी नौहट्टा श्रीनगर। साफ है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना कश्मीर के भोले भाले लड़कों को बहला फुसला कर उनके ही कंधों पर बंदूक रखकर कश्मीर को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान का जहर कैसे स्थानीय लोगों में घुल रहा है, इसकी एक और निशानी देखिए। ये जनाजा है एनकाउंटर में मारे गए आतंकी आकिब गुल का। देखिए बडगाम में कैसे सैकड़ों लोग जनाजे में शामिल हुए। न सिर्फ शामिल हुए बल्कि भारत विरोधी नारे भी लगाए, पाकिस्तान के झंडे भी लहराए। भारत सरकार के सामने चुनौती बड़ी है। आतंक के सफाये के साथ लोगों से पाकिस्तान के जहर को भी बाहर निकालना है। सुरक्षा बल जान लगाकर आतंक के खात्मे में लगे हैं। जम्मू कश्मीर में जनवरी से अब तक 98 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।